अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको मटर प्रिजर्व करना सिखाऊंगी। मटर का सीज़न है, अभी सस्ते हुए हैं मटर, तो फिर आप इनको कैसे ज़्यादा अरसे तक प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तकरीबन 3.5 किलो मटर हैं। तो इनको प्रिजर्व करने के लिए सबसे पहले तो पानी, उबलते हुए पानी में, अभी पानी गर्म हो रहा है, पानी जब उबल जाएगा हमारा तो फिर इसमें ये मटर मैं डाल दूँगी। और ये चीनी 1:1, मतलब 1 टेबल स्पून 1 किलो के लिए, क्योंकि ये 3 किलो है तो ये 3 टेबल स्पून चीनी है। चीनी का फ़ायदा ये है जनाब के इनके जो ग्रीन है कलर, ये कलर फेड नहीं होगा, इसी तरह फ्रेश रहेगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। जी ये बॉयल होना शुरू हो गया है। अब देखिए चीनी इसमें हमने डाल दी और करते हैं थोड़ी सी इसको, 3 टेबल स्पून, 3 किलो मटर और 3 टेबल स्पून, 1:1 रेशो जो है मटर डालते हैं इसमें। अब हम इसको करने होने देंगे बॉयल। बॉयल होते हैं 2 से, बॉयल भी नहीं बल्कि इसको बस ब्लांच ही करना है 2 से 3 मिनट के लिए, फिर ब्लांच करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको निकाल देंगे, ड्रेन करेंगे। इसमें ये देखिए ज़रा ऊपर छोटे छोटे वाले आए हुए हैं, तो अब इसको हम मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि ये दीज आर नॉट गुड क्वालिटी, क्या नहीं जी हो गए हैं दरमियान में, मटर के दाने की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। बाकी तो 2 से 3 मिनट के लिए ब्लांच करेंगे और इसके बाद हम उसको ठंडे पानी में डालेंगे, गर्म पानी में नहीं, ठंडे पानी में। जी 2 मिनट हो गए हैं, ब्लांच हो गया सही तरह। अब ये इसमें से पानी, गर्म पानी ड्रेन हो जाएगा और इसको अच्छी तरह ड्रेन करने के बाद इसमें से पानी पूरी तरह निकालते हैं, गर्म पानी ना रहे इसको, फिर हम ठंडे पानी के अंदर डालेंगे, पानी निकलते नहीं इससे से धुआँ। ये आपके पास अगर आइस क्यूब्स है तो आइस क्यूब्स में डाल दीजिएगा नॉर्मल पानी में, अदरवाइज ये ठंडा पानी है, फ्रीज़र से मैंने निकाल कर बॉटल में रखा था फ्रीज़र में, तो ये ठंडा यह पानी है। इसके अंदर 2 से 3 मिनट के लिए इसको भिगो के रख दूँगी पानी में, ताकि ये ओवर कुक ना हो जाए, और इसके बाद फिर इसको ड्रेन करके, पानी ड्रेन करके अच्छी तरह सुखा देंगे और उसके बाद हम इसको पैक कर देंगे। जी ये भी ड्रेन हो जाएगा पानी और पानी अच्छी तरह निकल जाए इससे, तो फिर हम इसको फैला देंगे और सुखा देंगे, इसको कपड़े के ऊपर फैला देंगे, इसी पे रख दें इस तरह भी, उसके पानी अच्छी तरह इसका निकल जाना चाहिए, थोड़ी देर इसको आधा पौना घंटा बल्कि 2 घंटे तकरीबन अच्छी तरह, ताकि इसके अंदर से पानी निकले। ये ब्लांच हमारा हो गया है, जब हमारे फ्रीज मटर तैयार हो जाएंगे फिर हम इन्हें पैक कर देंगे। ये मैंने ट्रे लिया है, इसके ऊपर मैं चावल फैला रही हूँ और इसके ऊपर जनाब ये मटर फैला दूंगी, ताकि 2 घंटे आराम से सूख जाए, तो स्पेस भी ज़्यादा मिले हो जाए, और इसके ऊपर स्पेस ज़्यादा मिलेगी। अभी भी देखिए जैसे कोई अगर आपको कोई नज़र आता है जैसे, तो उसको फैला देंगे हम, इसको अच्छी तरह देख लें, इसमें भी देख लें कि मटर का दाना ख़राब हो तो वो निकाल लें, ताकि वो फ्रीज ना हो, वरना बाकी भी ख़राब हो जाएंगे।
जी, इसके ऊपर फिर ये मैं दूसरा टावल, किचन टावल, इसको इस तरह आराम आराम से बनना है ताकि जल्दी से सूख जाएंगे। 2 घंटे तकरीबन लगेंगे इनको सूखने में, और बीच बीच में आपने इनको हिलाते रहना है, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे करके, ताकि पूरी तरह ये सारे सूख जाए। चलिए जी, बाद में पैक करने जब होंगे, पैक करते हुए आपको दिखा दूँ। 2 घंटे हो गए, सूख गए हैं, अच्छी तरह ड्राई हो गए हैं, लेकिन इनमें शाइन है, ठीक है, इतनी ज़बरदस्त शाइन हो रहा है। अच्छा, अगर आप नमक डालना चाहें तो चीनी जब हम ऐड कर रहे हों उसमें पानी में, तो आप उस वक्त नमक भी डाल सकते हैं। आप इनको मैं पैक कर रही हूँ टाइट, इसमें पानी रही, छोटे जो शॉपिंग बैग्स हैं उसमें आप कर लें, या एयर टाइट कंटेनर में आप कर लें, किसी तरह भी आप इसको करके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप फिलअप कर सकते हो, रख सकते हो इनको और फ्रीज कर सकते हैं, और जितनी रिक्वायरमेंट हो, और इसमें से निकाल के तो फिर आप यूज़ कर लें। इनको ब्लांच किया हुआ, इनका फ़ायदा ये हो गया है कि आप डायरेक्ट जो डिश है ना उसमें आप डाल सकते हैं, और मटर का कुकिंग टाइम जो है वो तो कम हो गया। खाजा ऐसे की तरह मैं जो है के करेंगे। ये देखें जी, ये मैं कंप्लीट करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये चूंकि बड़ा लिफाफा है तो इसमें इतना ज़्यादा मैंने नहीं डाला जितना मुझे रिक्वायरमेंट होती है, एक टाइम के लिए उतने हिसाब से मैंने डाल के इसको रख दिया है यूँ करके। अब इसको स्कॉच टेप से या किसी चीज़ से बंद कर दूँगी इसको, ताकि ये फ्रीजर में सही चल रहे। ये देखिए जी, ये टेप लगा दूँगी मैं, आप अब हम इसके टेप लगा देते हैं इस पर। ये फिर फ्रीज कैन फ्रीज़र में डाल देंगे, और जो मैंने तकरीबन 1/2 kg ये मैंने इधर इस डब्बे में डाल दिए हैं, 500 ग्राम्स 1/2 kg ये हो गया, और बाकी फिर ये हमारा बन गया है पैकेट। ये तकरीबन 3 किलो के पैकेट में से हमारे निकले हैं, 1/2 kg से ज़्यादा का बना है वो पैकेट। आप किसी तरह भी कर सकते हैं, या गिरा लगा लो, टेप लगा लो, किसी तरह भी आप कर लो, ठीक है, ये हो जाएगा। अब फिर हम उसको रखते हैं फ्रीज़र में, फ्रीज़र में रखते हैं और ज़रूरत होगी हम यूज़ कर लेंगे जी। फ्रीज़र में रह गए जनाब, इस तरह आप मटर को सेफ रख सकते हैं 4 to 5 months, कम से कम 4 to 5 months मटर, बिल्कुल इनको कुछ नहीं होगा, आप यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ा सा बस ब्लांच करना है 2 से 3 मिनट, उसके बाद ये है वो ठीक हो जाते हैं, खाएं, और बिल्कुल टेस्ट में भी फ़र्क नहीं होता।